करने की आवश्यकता है। उसी कड़ी में आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से स्वास्थ्य को लेकर इंदौर के सावे क्षेत्र में 35 लाख रुपए का योगदान किया गया ताकि सावे की जनता स्वस्थ रहे। यह पहला मामला नहीं है, इस तरह के समाज सेवा का कार्य SBI के द्वारा पहले भी किया जा चुका है। दरअसल SBI का एक प्रॉफिट होता है जिसका 1% पूरे भारत में समाज सुधार के लिए किया जाता है। इसी कड़ी में इस बार इंदौर को चुना गया है। जनरल मैनेजर ने बताया कि आज देश को जिससे ज्यादा खतरा है वह स्वास्थ्य ही है। इस तरह की महामारी हमने जीवन काल में नहीं देखी और आशा करते हैं आगे भी देखने को न मिले। आपको बता दें, पूरे कोरोना काल में देश में लॉकडाउन के चलते सारे कार्यालय बंद थे, लेकिन SBI की सारी ब्रांचेस और ATM खुले रहे। लोगों की परेशानी को देखते हुए SBI के जनरल मैनेजर ने बताया कि SBI द्वारा जितना भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उतना वह देश के लिए करते रहेंगे। वहीं सावेर के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि सावेर में 30 बिस्तर का अस्पताल को 50 बिस्तर के अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। लगभग अस्पताल 5 करोड़ की लागत से बनेगा। उनका कहना है कि जो स्वास्थ्य की सुविधा इंदौर के लोगों को मिलती है वही सुविधा जल्द ही सावेर के लोगों को भी मिलेगी। जो विश्वास, स्नेह और समर्पण SBI के द्वारा सावेर की जनता के प्रति दिखाया गया है उसके लिए सावेर की जनता और प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। सावेर की जनता की ओर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, पूरे परिवार का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार देता हूं। अभी परसों के दिन लगभग जो 30 बिस्तर का अस्पताल था सावेर का, उसको 50 बिस्तर का किया, 5 करोड़ की वो सारी सुविधाएं, सारे साधन जो इंदौर, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नगर इंदौर में सुविधा स्वास्थ्य की मिलती थी वो सावेर को मिलेगी। मैं इस परिवार का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, सावेर की भाई और बहनों की तरफ से, अन्य दाताओं की तरफ से, सद्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी की ओर से, बैंक के प्रत्येक व्यक्ति का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं, ये हम लोग के लिए ये पहला इनिशिएटिव नहीं है, पहले भी हम लोग करते रहे हैं। हम लोग का जो एक प्रॉफिट होता है उसका एक डेफिनेट परसेंटेज हम लोग समाज सेवा के लिए ही खर्च करते हैं और पूरे भारत में हम लोग खर्च करते हैं। तो आज की इसी कड़ी में हम लोग ने इंदौर को चुना और इंदौर में थोड़ा सा योगदान दिया है। आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा खतरा है देश को वो स्वास्थ्य का ही है, हेल्थ का है, क्योंकि इस तरह की महामारी हम में से तो किसी ने अपनी लाइफ में देखी नहीं है और ईश्वर ना करे कभी देखनी पड़े। तो जितना कंट्रीब्यूशन स्टेट बैंक कर सकता है हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कर रहे हैं। आपको पता ही होगा जब ये महामारी थी, पीक पे थी, अभी भी पीक पे है, तो सारे ऑफिसेज बनते, सब इंस्टीट्यूशंस बनते, लेकिन स्टेट बैंक ऐसा था कि हमारे सारे ही ब्रांचेज काम कर रही थी, हमारे सारे ATMs काम कर रहे थे, हमारे सारे ही बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट काम कर रहे थे।